हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डाटा सेविंग मोड को बंद कैसे करें, ऑफ़ कैसे करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डाटा सेविंग ऑन है और यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए हम आपको इसे बंद करने का तरीका बताते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर डेटा यूजेज का एक ऑप्शन मिलेगा, डेटा यूजेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा फिर से नीचे आना है, यहाँ पर डाटा सेविंग मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर ये चालू है और यहाँ पर शो रहा है ऐप विथ अनलिमिटेड डाटा यूजेज। तो यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन कौन इसमें ऐड है। तो बंद करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए बंद हो चुका है। फिर से अगर चालू करना रहेगा कभी भी तो यहीं पर आके टर्न ऑन कर देना, चालू हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐप हैं इसमें ऐड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, तीनों ऐप यहाँ पर शो हो रहे हैं, गूगल प्ले सर्विसेस, गूगल प्ले सर्विसेस और कैरियर सर्विसेज। तो इसे बंद करते हैं, यहाँ से बंद करने के बाद बैक आते हैं। अब गाइस, अगर आपको सेटिंग ये वाली यहाँ पर नहीं मिल रही है तो फिर आपको क्या करना, तो आप देखिए सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर लिखना डेटा यूजेज। जैसे लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा सबसे ऊपर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर डेटा सेविंग मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी इसे बंद या चालू कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।